Nutrition in animals. Nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular animal living in water. Amoeba एक unicellular organism है जो कि एक ही cell से बना है और वो कहाँ पर रहता है? Water में रहता है. It takes in food by forming finger-like position. वो food intake करता है by forming finger-like position through its pseudopodia and forms a food vacuole और उसी को अपने body में एक food vacuole की तरह बनाता है. Inside the food vacuole, the food is digested. वो food vacuole के अंदर ही digest होता है and absorb होता है. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. और उसके body के surface देखे undigested food बाहर आता है. तो यही है digestion system in the amoeba. तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, food particle आया. Food particle आने से क्या होता है, food particle की आने से क्या होता है, ये जो amoeba है वो अपना pseudopodia को extend कर रहा है. तो ये जो food molecules के लिए वो pseudopodia क्या वो extend करेगा so that to absorb the food molecule. Then food molecule occupy करने के बाद उसमें food molecule जब भी body के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, food vacuole formation करता है. उसी vacuole से क्या निकलता है, digestive enzyme निकलता है और वो food digest होता है. जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा वो क्या होता है, वही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर आता है. तो यही है न्यूट्रिशन इन अमोबा. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कंडक्ट होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल एंड ग्लैंड्स. ये किस किस को लेके बना है, एलिमेंटरी कैनल एंड ग्लैंड्स को लेके बना है. तो यहाँ क्या है, विच प्रोड्यूस एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इनका रोल बड़ा ही, मतलब क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस. तो क्या होते हैं, मुँह से लेके ये क्या है, माउथ है, फिर यहाँ से लेके स्टोमक, स्टोमक पे लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से लेके एनस में ख़त्म हो गए. ओके, ग्लैंड क्या क्या है, लीवर एक ग्लैंड है, ये पानक्रियाज एक ग्लैंड है. ओके, स्टोमक में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करते हैं. तो अभी क्या है, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, एसोफागस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. द मेन ग्लैंड्स ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास एंड द इंटेस्टाइनल ग्लैंड. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड्स है उसको क्या बोलते हैं, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड है उसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड हम बोलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड. लीवर से क्या सिक्रेशन होता है, बाइल सिक्रेशन होता है. हमारा जो सैलिवरी ग्लैंड है वो माउथ में ही होता है, वो सलाइवा सिक्रेट करता है. ओके, फिर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. स्टोमक से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ओके, तो ये सब क्या है, ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ये इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड. माउथ में क्या होता है, फूड सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है. सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज. सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, विच कन्वर्ट्स द स्टार्च इनटू शुगर, जो कि क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. देन द फूड पासेस थ्रू द ऑसोफागस इनटू द स्टोमक. फिर फूड क्या होता है, ऑसोफागस में देख के ट्रैवल करता है इनटू द स्टोमक. इन द स्टोमक द
तो माउथ में क्या होता है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवरी एमाइलेज होता है उनमें, सलाइवा में। ये एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो हमने स्टार्च खाया उसको किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है। माल्टोज जो है डाइसेकेराइड है। तो पहला डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट का पहला डाइजेशन होता है। दूसरा डाइजेशन जब वो स्टोमक के पास पहुँचेगा, फिर उसका फर्दर डाइजेशन होता है। इन द स्टोमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक में होता क्या है, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस होते हैं व्हिच कंटेन्स द एंजाइम पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। जिसमें क्या क्या होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम जैसे कि पेप्सिन होता है। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन। तो प्रोटीन का पहला डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टोमक में ही होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ मिलता है तो फूड कौन से मीडियम में चला आता है, एसिडिक मीडियम में आता है एंड हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। तो पेप्सिन को वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना काम कर सकें। म्यूकस प्रोटेक्ट द वाल्स ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। तो जब एसिड होता है तो वो वाल को भी डिजनेट कर सकता है, इसलिए क्या होता है, म्यूकस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वाल को, सो दैट द एसिड कुड नॉट वर्क ऑन द वाल्स ऑफ द स्टोमक। देन द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक में काम खत्म होने के बाद वो कहाँ पे जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को जाते हैं। इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डियोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट है, पहला है डियोडेनम। पहला पार्ट को क्या बोलते हैं, डियोडेनम। मिडिल पार्ट को बोलते हैं जेजुनम एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज इलियम। तीन पार्ट होते हैं इसके। तो क्या आते हैं, द फूड इज मिक्सड विद द बाइल फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। जो पहला पार्ट है डियोडेनम, वो क्या करता है, रिसीव करता है लीवर से बाइल एंड पैनक्रियाज से पैनक्रेटिक जूस रिसीव करता है। बाइल ब्रेक डाउन द फैट्स इंटू स्मॉलर ग्लोबुल्स। बाइल जो होते हैं वो किसके ऊपर काम करता है, फैट्स के ऊपर काम करता है। पैनक्रेटिक जूस कंटेन एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैनक्रेटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स। ट्रिप्सिन क्या करता है, किसको ब्रेक करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। एंड लाइपेज किसको ब्रेक करता है, फैट्स को ब्रेक करता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फिर खाना क्या होता है, और फिर बीच के पार्ट मतलब जेजुनम में पहुंचता है। तो वहाँ पे क्या होता है, द ग्लैंड्स द वाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस। फिर इंटेस्टाइनल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। द एंजाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स द कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ग्लूकोज। फाइनली क्या होता है, वो इंटेस्टाइनल जूस कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है एंड ग्लिसरल को प्रोटीन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरल में कन्वर्ट करता है फैट्स को। फिर प्रोटीन को किस में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। द वाल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड वेली। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें क्या होता है, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वेली बोलते हैं। तो ये वेली क्या करते हैं, वो सारे जो सिंपल मॉलिकुल्स बने ना, जैसे कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरल, ग्लूकोज एंड द अमीनो एसिड, वो इसको एब्जर्व कर लेता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है वेली। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू ऑल द सेल्स। तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं हर एक बॉडी पार्ट्स को। द अनडाइजेस्टेड फूड पासस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन नहीं हुआ है उसको कहाँ पे जाते हैं, वो कहाँ पे पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होता है एंड द वेस्ट मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस। वेस्ट मटेरियल एनस में देख के बॉडी से रिमूव हो जाता है।